हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में हम किस तरह से फॉर्मूला की हेल्प से ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यूज़ है। आपके पास डाटा बहुत बड़ा भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000, कितना भी डाटा हो, आपको इसी तरह से ऐड करना है। ओके, तो अब मुझे ये सारे जो वैल्यूज़ है मुझे इसका ऐड निकालना है। तो यहाँ मैं टोटल निकालूंगी इसका, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसका टोटल निकालूंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम सम निकालते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू देना होता है। आप अगर किसी फॉर्मूला को बिना इक्वल टू लगाए, अगर बिना इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिखे आप चाहेंगे कि फॉर्मूला काम करे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको इक्वल टू का साइन देना ही होगा। तो हम इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद हमें सम करना है तो सम लगाएंगे। और सम के बाद आप ये भी कर सकते हैं, आप सिर्फ के साथ ब्रैकेट ओपन करें और आप एक एक सेल का एड्रेस यहाँ पे प्लस प्लस करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तो छोटा वैल्यू है, तो चलो मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे प्लस किया, फिर इसको इस सेल के एड्रेस को लिया, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद जब हम एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसका टोटल यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे इसका टोटल यहाँ आ चुका है। अब नेक्स्ट इसका, लेकिन बहुत बड़ा डाटा है तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा हर एक सेल को प्लस प्लस करके सेलेक्ट करने में। तो हम नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं, इसके सबसे पहले तो इसको हमें यहाँ इक्वल तो देना ही होगा, इक्वल टू देंगे, सम देंगे, सम और क्या करेंगे, ब्रैकेट, और हम फर्स्ट सेल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ सेल का एड्रेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, यहाँ हमने ड्रैग कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जहाँ से हमें टोटल जितने का ऐड करना था उस सेल का एड्रेस आ चुका है कि हमें C6 से लेके C10 तक को ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे, यहाँ मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये इंटर। तो ये देखिए ये यहाँ पे आपका यहाँ टोटल आ चुका है। ओके, अब थर्ड ऑप्शन है आपका, इसको हटा देते हैं। अब थर्ड ऑप्शन है कि आपका जितना भी डाटा है, जो भी वैल्यू को आपको ऐड करना है, उन सारों को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपके पास यहाँ ऑटो सम का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ ऑटो सम पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ टोटल आपको दिख रहा है, यहाँ ऐड हो चुका है। ओके, टोटल यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सब्सट्रैक्शन की तरफ। अब हमें 543 में से 45 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वल का साइन लगाएंगे। ओके, इक्वल का साइन लगाया हमने और फिर जो फर्स्ट सेल है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे शो हो रहा है ये सेल का एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो माइनस का, और यहाँ से आप सेल का एड्रेस भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लें। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे इसका वैल्यू आ चुका है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए भी ऐसे ही आपको पहले फर्स्ट सेल को जो भी है, यहाँ आई और सिक्स है, इस सेल को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ सेलेक्ट करने के पहले तो हमें इक्वल टू लगाना होगा, तो यहाँ हम इक्वल टू लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेल का एड्रेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, जो यहाँ पे स्टार की तरह जो साइन होता है ये मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेल पे सेलेक्ट कर देंगे और फिर हम एंटर दबाएंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, 435 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे 2175 वैल्यू आता है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं डिवाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर हम इस सेल को, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे,
डिवाइड का जो साइन होता है स्लैश वो देंगे और यहाँ पे फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो हम जैसे ही एंटर दबाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप कि आप कितना भी बड़ा डाटा हो, कितनी बड़ी आपकी वैल्यू हो, आप इसी तरह से एड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये तो जैसे वर्टिकल वैल्यू है तो ऐसे ऐड हुआ, अगर ये हॉरिजॉन्टल भी आपको ऐड करना है, जैसे सपोज हमारे पास हमको ऐड करना है इसको, ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिख दिया ये नंबर, तो भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग फॉर्मूला लगेगा, आपको इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होता है। ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से हॉरिजॉन्टली इसको यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमें इसका नंबर पुट करना है, टोटल निकालना है, वहां हम इक्वल का साइन देंगे। ओके, इस इक्वल का साइन दिया हमने और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं, इस सेल को बड़ा कर लेते हैं। इस पे हम फॉर्मेट लगा देते हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल दिया हमने, यहाँ हमने फॉर ब्लैंक सेल पे भी अगर आप फॉर्मेट यूज करेंगे तो फिर जो आप टाइप करते हैं वो उसी फॉर्मेट में शो होता है। ओके, तो यहाँ हम इक्वल का साइन लगाएंगे और हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम और हम क्या करेंगे इन सारे सेल्स को, सॉरी ब्रैकेट तो दिया ही नहीं हमने, इसके लिए ब्रैकेट तो देना पड़ेगा, इसको हम सम और उसके बाद ब्रैकेट और फिर हम इसको चारों को सेलेक्ट कर देंगे और सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो अब देखिए वही वैल्यू यहाँ टोटल इस चारों का यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।